जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी में है वो किस तरह उसको हम मैनेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो आईटी प्रोजेक्ट है, उसमें हम क्वालिटी को किस तरह मैनेज करते हैं, किसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह हम उसको मेंटेन रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी उसमें किस तरह हम मेंटेन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर हैंड आउट में डिस्कस करेंगे। तो ये रिकैप है एज यूजुअल कि क्या हम कौन कौन से पॉइंट्स जो है हमने इस लेक्चर हैंड आउट में डिस्कस करने हैं। दीज आर आउटलाइन अगेन सेम थिंग। सो वी स्टार्ट विद द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। पीपल सीम टू एक्सेप्ट सिस्टम बीइंग डाउन ओकेजनली, कि जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट हुआ हुआ है, इवन वो डाउन है, ठीक है, और नीडिंग टू रिबूट देयर पीसीस के उनको हर वक्त हमें रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है पीसीस को। तो दैट टेल्स द क्वालिटी कि आपने एक सिस्टम खरीदा है, ठीक है, ये एक नेचुरल सी बात है, डेली लाइफ डे टू डे हम फेस करते हैं ये चीजें कि आपने एक सिस्टम खरीदा है, तो वो सिस्टम जो है इट टेक्स टाइम टू रिबूट, कि वो स्टार्ट होने में इतना वक्त ले रहा है, दैट मीन्स उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो हमें कही गई है वो नहीं है। दे आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द न्यूज अबाउट क्वालिटी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई टी डे आफ्टर डे इन द न्यूज पेपर इन ब्लॉग वी रीड वी लिसन वी हेयर फ्रॉम पीपल के जो आई टी प्रोजेक्ट की क्वालिटी इश्यूज हैं, डिफरेंट हार्डवेयर, आई मीन सर्वर है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का पैच आ रहा है, उसमें बग्स आ रहे हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह हम इवन द हार्डवेयर माउस कीबोर्ड इनमें मसाइल हैं, तो ये डे टू डे हम लोग फेस करते हैं और हम इसको हम कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही हैं। बट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी आई टी प्रोजेक्ट। क्वालिटी इज द मेन इंग्रेडिएंट वो सॉफ्टवेयर, ठीक है ना जी। और ये वेरी करती है पीपल टू पीपल के क्वालिटी क्या है, व्हाट क्वालिटी मीन टू यू, ठीक है जी। तो उसके लिए इन्होंने आईएसओ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन है जो डिफाइन करती है, ठीक है ना जी, उन्होंने एट्रीब्यूट डिफाइन कर रखे हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो हम कहेंगे जी इसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है या इम्प्रूव हो रही है या वर्स है। Defines quality as the totality of characteristics of any entity, of an entity that bear on its ability. जो उसकी जो ability है वो उसको जो उसमें लिखा गया है उसको satisfy करती है या नहीं करती, ठीक है ना जी। जब हम proposal लिखते हैं हम कहते हैं जी this product will able to do this this this, ठीक है, जब आप product बन गई है क्या वो ऐसा हो रहा है, वो उन मसाइल जो उन्होंने proposal में list down किए थे उनको हल कर रही है या नहीं कर रही। अदर एक्सपर्ट डिफाइन क्वालिटी बेस्ड ऑन कन्फॉर्मेंस, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि प्रपोजल में हम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। फिटनेस फॉर यूज, एंश्योरिंग अ प्रोडक्ट कैन बी यूज एज इट वॉज इंटेंडेड, के जब प्रोडक्ट को बनाया गया है किस इंटेंशन से बनाया गया है, क्या अब वो उस मैार पर पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही। सो दिस इज वट क्वालिटी इज। अगर आपको इन सवाल के जवाब मिल जाए और वो बेहतर अंदाज में मिल जाए तो दैट इज द क्वालिटी, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट है क्वालिटी, अदरवाइज द क्वालिटी समवेयर इज बीइंग कम्प्रोमाइज। अब ये मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं कि किस तरह हम प्रोजेक्ट की क्वालिटी को हम मैनेज रख कर सकते हैं। तो इसमें ये तीन इन्होंने फेजेस कह लीजिए, स्टेप्स कह लीजिए। फर्स्ट इज द क्वालिटी प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग विच क्वालिटी स्टैंडर्ड आर रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट। क्या आपने आइडेंटिफाई करने हैं कौन से स्टैंडर्ड जो है आईएसओ के वो रेलिवेंट है और किस तरह उनको सेटिस्फाई मीट करना है। नेक्स्ट इज द क्वालिटी एश्योरेंस, इवेल्युएटिंग ओवर ऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस टू एंश्योर द प्रोजेक्ट टू सेटिस्फाई द रेलिवेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो कि स्टैंडर्ड डिफाइन है उनको एंश्योर किया जाए बाय इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, कि वो आप कोई चीज आप खरीदते हैं उसकी क्वालिटी किस तरह आप मेजर करेंगे जब आप उसको यूज करेंगे, ठीक है ना, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो तब आपको पता चलेगा जो हमें बताया गया था ये उसी तरह है या नहीं। तो आपने उसको एवेल्युएट करना है उसकी परफॉर्मेंस को, तब भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड इसके सेट हैं वो उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है आईएसओ के। क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन रिजर्व टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द रिलेवेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो कि उसके स्टैंडर्ड डिफाइन है। वाइल आइडेंटिफाइंग वेज टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी, के ना सिर्फ आपने मॉनिटर करना है बल्कि मतबादल रास्ते भी ढूंढने, अल्टरनेट ढूंढने कि किस तरह क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके।
क्वालिटी प्लानिंग, इट इज इम्पोर्टेंट टू डिजाइन अ क्वालिटी कम्युनिकेट, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है उसमें, अहम फैक्टर्स क्या है दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई विच वेरिएबल्स हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ओवरऑल आउटकम ऑफ अ प्रोसेस, के उसमें कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है टू ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, जो आउटकम है उसका. तो ये आपने मद्देनजर रखना है, उसको सिंगल आउट करना है कि कौन सा वो वेरिएबल है. मेनी स्कोप एस्पेक्ट ऑफ आई टी प्रोजेक्ट अफेक्ट क्वालिटी लाइक फंक्शनैलिटी दैट हाउ दे परफॉर्म फंक्शन. अब फंक्शन फंक्शनैलिटी दो तरह की है, नॉन रिक्वायरमेंट है, एक नॉन फंक्शनल है, एक फंक्शनल है. फीचर जो उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, सिस्टम आउटपुट के उसकी परफॉर्मेंस किस तरह है, जो वो रिजल्ट्स दे रहा है एट द एंड, रिलायबिलिटी कितना वो रिलायबल है, और मेंटेनेबिलिटी उसको कितना हम मेंटेन कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को. तो ये वो चीजें हैं जो हमने प्लानिंग में चीजों को मद्देनजर रखना है, ताकि पहले तो आइडेंटिफाई करें हम अहम फैक्टर्स वेरिएबल्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओवरऑल आउटकम को, उसके बाद हम उसको अल्टरनेटिव ढूंढें, अल्टरनेट रास्ते तो इम्प्रूव इट और उसकी फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए. क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेटिस्फाई. एश्योरेंस से क्या मुराद है कि आप एश्योर करें कि ये चीज जो है 100% अपना रिजल्ट देगी. तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको आपने इंक्लूड करना है रिलेटेड टू सेटिस्फाइंग द रिलेवेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड. अनदर गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज कंटिन्यूअस, आपने कंसिस्टेंसली उस क्वालिटी को मेंटेन रखना है और इम्प्रूव करना है. बेंच मार्किंग कैन बी यूज टू जनरेट आइडियाज फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. क्वालिटी ऑडिट्स जो है डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंस रखा जाता है, जिससे पता चलता है कि हम उनसे सीखते हैं और अपने क्वालिटी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट और करंट प्रोजेक्ट. ये इनका प्लान है क्वालिटी एश्योरेंस का. ये ड्रॉप के ये चीजें हैं, जब आप क्वालिटी एश्योरेंस का प्लान ड्रॉप लिखें तो उसमें ये पॉइंट हैं इंक्लूड होने चाहिए. नंबर वन, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान इंट्रोडक्शन, पर्पस, पॉलिसी स्टेटमेंट, स्कोप. देन सेकेंड मेन हेडिंग इज द मैनेजमेंट, उसमें स्ट्रक्चर आ जाता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, टेक्निकल मॉनिटर, सीनियर मैनेजमेंट, टास्क लीडर की जिसको जो टास्क असाइन की गई है, लीडर कौन है, एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस टीम कौन सी है एंड टेक्निकल स्टाफ. उसके बाद जी थर्ड जो मेन हेडिंग है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है. देन फोर्थ इज द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर्स एंड देन द सब हेडिंग वॉक थ्रू प्रोसीजर्स, रिव्यू प्रोसेसेस, रिव्यू प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसेसेस, एवेलुएशन प्रोसेस, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. एंड देन द फिफ्थ वन इज नंबर फाइव इज प्रॉब्लम रिपोर्टिंग प्रोसीजर, किस तरह आपने जो मसाइल आ रहे हैं उनको रिपोर्ट करना है. एंड देन मैट्रिक्स के किस तरह आपने टोटल एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस को मेजर करना है टू गेट टू द कंक्लूजन वेदर वी आर हेडिंग टू राइट डायरेक्शन और रॉन्ग. देन अपेंडिसेस जो भी हम टेबल्स हैं, क्वेश्चनेयर हैं, जो भी एक्सरसाइज के लिए हम यूज करते हैं टू गेट द डेटा, वो हम अपेंडिसेस में अटैच कर देते हैं. और चेकलिस्ट फॉर्म है फॉर एग्जाम्पल. तो ये वो चीजें हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में इंक्लूड होनी चाहिए. नेक्स्ट है जी क्वालिटी कंट्रोल है. द मेन आउटपुट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर एक्सेप्टेंस डिसीजंस है, कि आप किस तरह डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हैं विद इन अ टीम, उस पर रिवर्क करते हैं एंड देन प्रोसेस एडजस्टमेंट करते हैं. सम टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूड पैरेटो एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट. ये दोनों जो एनालिसिस है, कंट्रोल चार्ट है, ये क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ही है, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस तरह क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं और कंसिस्टेंसी उसमें ला सकते हैं. पैरेटो एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द वाइटल फ्यू कंट्रीब्यूटर्स, जो अहम उसमें कंट्रीब्यूशन अकाउंट फॉर द मोस्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स इन अ सिस्टम, उसमें कौन से जो क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस सिस्टम में हैं जिसकी वजह से सिस्टम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा. आल्सो कॉल्ड द 20-80-20 रूल, मीनिंग दैट द 80% ऑफ प्रॉब्लम्स आर ओपन ड्यू टू 20% ऑफ द कॉसेस. ये है पैरेटो एनालिसिस, दैट द 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू 20% ऑफ द कॉसेस. पैरेटो डायग्राम्स आर हिस्टोडायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स दैट हेल्प आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम एरियाज. बाय लुकिंग एट द डायग्राम्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज, आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं प्रॉब्लम्स की, किसको पहले आपने हल करना है या उस पर फोकस करना है.
This is how the Pareto diagram look like. You can see on the x-axis we have login problem, system problem, system is too slow, system is too hard to use, reports are inaccurate. ये वो पैरामीटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि इसकी क्वालिटी प्रोजेक्ट की किस तरह की है. नाउ एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द एक्स एक्सिस यू कैन सी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स दिस वीक. ये वो कंप्लेंट्स हैं जो विद इन 1 वीक रिसीव हुई हैं रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस जो शो कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें मसाइल क्या क्या है उसमें. ठीक है, अब ये वाइटल है लॉग इन प्रॉब्लम. अगर आप लॉग इन ही नहीं कर सकेंगे तो आप उसको यूज नहीं कर सकते. सिस्टम लॉक हो जाता है, अनसक्सेसफुली स्लो है, टू हार्ड टू यूज, रिपोर्ट्स आर इनएक्यूरेट. तो ये वो चीजें हैं जिससे जो मेन कंट्रीब्यूशन है किसी भी आईटी प्रोजेक्ट में उसके सक्सेस की. तो अगर इनमें मसाइल है तो उसकी आप क्वालिटी को किस तरह क्लेम कर सकते हैं. क्वालिटी कंट्रोल चार्ट एंड द 7 रन रूल. A control chart is a graphic display of data that illustrates the result of a process over time. क्योंकि डायग्राम से हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को, और हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई करके फिक्स कर सकते हैं प्रॉब्लम. इट हेल्प्स प्रिवेंट डिफेक्ट एंड अलाउज यू टू डिटरमिन whether the process is in control or out of control. The 7 run rule states that if 7 data points in a row are all below the mean, above the mean or increasing or decreasing, then the process needs to be examined for non-random problems. ये है 7 run rule. इसमें आप देखिए in inches, on this side your time dimension, lower control, upper limit control, and then the lower specification limit. ठीक है, तो इसका अगर mean है तो फिर ना तो up होना चाहिए, denote the violation of 7 run rule. ठीक है, ये कहाँ कहाँ हो रही है जहां में ये स्टार नजर आ रहा है, ये लेजेंड उसमें स्टार समवेयर इज हियर, ओके, एंड देन समवेयर जस्ट अबव द 20. सो दिस इज वेयर बिकॉज यू कैन सी द 7 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है जी, ये वो सब चीजें आ रही हैं जो कंसिस्टेंसली यानी बिलो है उसके, तो जिस वजह से वो वायलेशन हो रही है इसके 7 रूल. तो यही उसमें उसका रूल है कि अगर 7 डेटा पॉइंट्स इन अ रो ऑल आर बिलो द मीन, अबव द मीन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन द प्रोसेस नीड टू बी एग्जामिन्ड. सो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग. इफ यू कैन सी हियर द 7 पॉइंट्स आर बिलो द मीन है. ठीक है ना जी, दिस साइड आल्सो आर द सेम 1 2 3 4 5 6 एंड 7. दिस आर आल्सो ऑल द 7 पॉइंट्स आर बिलो द मीन. सो दैट्स वेयर यू हैव टू एग्जामिन. ये मिनी केस है. यू हैव बीन आस्क्ड टू डिटरमिन अ रफ स्केड्यूल फॉर अ 9 मंथ बिलिंग सिस्टम कन्वर्जन प्रोजेक्ट. क्या आपने एक 9 मंथ बिलिंग सिस्टम को प्रोजेक्ट को काम करना है एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब एज अ कंसल्टेंट टू फॉर्च्यून 500 फर्म. द फर्म्स ओल्ड सिस्टम वाज रिटन इन कोबोल ऑन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट आर प्रोहिबिटिव. द न्यू सिस्टम विल रन ऑन एन हाफ the shelf application. You have identified several high-level activities that must be done in order to initiate, plan, execute, control, and close the project. The table in the next shows the analysis of the project task and schedule so far. इसमें part 1 ये है कि using the information in table है, और identify part 2 ये identify at least 2 milestones that could be included under each of the process groups in the table. Then write a detailed description of each of these milestones that meet the SMART criteria. So, क्या है? Let us look at the next slide. आप इसको देख सकते हैं. Task है, initiating है, planning है, executing, controlling and closing है. On this side we have a month where we can conclude or finish this task. This is a Gantt chart that tells how many weeks or days we spend on to complete this task. आप इस साइड पर देख सकते हैं ब्लू कलर में, that tells it is starting from March, ending also is in March. Some tasks are starting in March, ending in April. ठीक है, तो ये वो बताता है कि किसमें कितने डेज किसमें लगे हैं, किस टास्क को कंप्लीट करने में लगते हैं. इधर
ये चीजें लिखी हुई हैं। ड्यूरेशन जो है वो इधर मेंशन्ड है ड्यूरेशन के कॉलम। सॉल्यूशन 2.2 इनिशिएटिंग में हम चार्टर है डेवलप करते हैं, हम प्रपोजल कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर असाइंड होता है, फंडिंग अप्रूव्ड होती है, दिस इज इनिशिएशन। प्लानिंग में हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है उसको कंप्लीट करते हैं, बेसलाइन प्लान जिसमें कॉस्ट है, बजट है, पीपल है, उसका अप्रूवल लेते हैं, टीम असाइन करते हैं, प्लान जो है कम्युनिकेट करके तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं काम। एग्जीक्यूटिंग है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते हैं, सर्वर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, टेस्टिंग है, ट्रेनिंग है, ये सब चीजें कंप्लीट होना होती है एग्जीक्यूटिंग फेज में। कंट्रोलिंग में कंट्रोल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर एस्टेब्लिश है, किस तरह अगर कोई चेंज है तो उसको अपने कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है। चेंज कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश है, बोर्ड जो है चेंज का अप्रूवल देगा। फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीटेड, क्लोजिंग में रिपोर्ट कंप्लीट करनी है जो कि जिसे हम फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है एंड लेसन लर्न व्हाट वेंट राइट व्हाट वेंट रॉन्ग उसमें हमने दिखना है। टेस्टिंग में हमने ये करना है जी, मेनी आईटी प्रोफेशनल थिंक ऑफ टेस्टिंग एज अ स्टेज दैट कम्स नियर द एंड ऑफ आईटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप चीज बना लेते हैं तो तभी आप उसको टेस्ट करते हैं, दिस बट इज नहीं। टेस्टिंग शुड बी डन ड्यूरिंग ऑलमोस्ट एवरी फेज ऑफ द आईटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। से प्लानिंग आपने कंप्लीट की है तो उससे कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, तो मैं आपको हर वक्त बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने प्लानिंग कंप्लीट कर ली। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना कि ये टास्क है ये कंप्लीट हुई है, ठीक है, तब आप कहते हैं जी जनाब ये प्लानिंग कंप्लीट है। इसी तरह आपको कैसे पता लगेगा कि एनालिसिस का जो फेज है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि डिजाइन का फेज कंप्लीट हो चुका है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि ये टास्क है जो कि अकम्प्लिश हुई है या कंप्लीट हो चुकी है, तो तभी आप जो है उसको आप नेक्स्ट फेज पे प्रोसीड करते हो। दिस इज वन डायग्राम है टेस्टिंग टास्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप स्टार्ट होते हैं, इनिशिएट द प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी देखते हैं जिसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, एंड देन यू मूव टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब उसके डिटेल रिक्वायरमेंट है, डिटेल आर्किटेक्चर है, बिल्ड ऑपरेटिंग एनवायरमेंट है, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन है, ये सब चीजें करने के बाद आप यू मूव टूवर्ड्स डेवलपमेंट। इसमें अब यूनिट डिजाइन है, देन उसका कोड है, देन उसको टेस्ट करते हैं, फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स को आप इंटीग्रेट करते हो, फिर आप सिस्टम को टेस्ट करते हो, फिर यूजर से टेस्ट करवाते हैं, एंड देन यू इम्प्लीमेंटेड, एंड देन यू पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जिसमें ट्रेनिंग आ जाती है, मेंटेनेंस आ जाती है, ये वो चीजें आप करते हो। टाइप्स ऑफ टेस्ट, यूनिट टेस्ट मीन ईच एंड एवरी मॉड्यूल नीड टू बी टेस्ट एज मेंशन्ड सजेस्ट यूनिट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट मॉड्यूल। जब आप उनको आपस में कनेक्ट करते हो तो आप चेक करते हो कि वेदर दे आर फंक्शन प्रॉपरली और नॉट। सिस्टम टेस्ट ईच एंड एवरी सिस्टम, भले क्लाइंट सर्वर है, लैन है, लोकल एरिया में है, जो भी आपने टेपोलॉजी साइंस कर रखी है, इस तरह का भी आर्किटेक्चर है, आप सब सिस्टम को टेस्ट करते हो। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट है कि आप यूजर जिससे उसको यूज करना है उससे आप टेस्ट करवाते हैं बाय एंटरिंग डाटा, बाय यूजिंग द सिस्टम परफॉर्मिंग द टास्क। गैन चार्ट फॉर बिल्डिंग बिल्ड टेस्ट इनटू द सिस्टम डेवलपमेंट, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हुए हैं। पर्पज इसका एक ही है कि आप डिटरमिन कर सकें कि कितना टाइम जो है दरकार है इस टास्क के लिए, और आप उसको मॉनिटर भी कर सकें। लेट्स से टेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए आपने 2 हफ्ते रखे हैं, लेकिन जब आप देखते हो इन रियलिटी कि वो 4 हफ्ते लग गए, तो ये वो चीजें हैं जो आपने मैच करनी है कि क्या आपने प्लान किया था और क्या आप हो रहा है रियलिटी में। मॉडर्न क्वालिटी में मैनेजमेंट में रिक्वायर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, प्रेफर्स प्रिवेंशन टू इंस्पेक्शन है, रिकग्नाइज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर क्वालिटी के, किस तरह जो मैनेजमेंट है वो रिकग्नाइज कर सके। प्रेफर प्रिवेंशन है,
फॉर टू इंस्पेक्शन रिक्वायर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये वो चीजें हैं जिनको आप कर लेते हैं, देन इजी फॉर यू टू मैनेज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. इंप्रूविंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट क्वालिटी. सेवरल सजेशंस फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी फॉर आईटी प्रोजेक्ट इंक्लूड लीडरशिप दैट प्रमोट्स क्वालिटी. ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रमोट करता है क्वालिटी को. अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना है वो तभी होगा जब उसकी क्वालिटी, और क्वालिटी क्या है जो आपने कहा है अपने प्रपोजल में, व्हेन यू आर इनिशिएटिंग द प्लान दैट मीट्स दैट सेइंग फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस एंड वर्कप्लेस फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्वालिटी. फॉलोइंग मैच्योरिटी मॉडल्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी. ये वो चीजें हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. लीडरशिप है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट द टॉप मैनेजमेंट बी क्वालिटी माइंडेड. इन द एबसेंस ऑफ सिंसेयर मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट एट द टॉप लिटल विल हैपन बिलो. ये जुरान है, ही सेड सो इन 1945. A large percentage of quality problems are associated with management, more technical. So, leadership जब इस चीज को लेके आगे चल रहे हैं कि quality को हमें maintain करना है, तो वो message पूरी team को convey होता है कि भाई जो boss है उसने check करना है. Then the people are careful and they work carefully in the team to meet the quality and work for the quality or to improve the quality. प्रोडक्ट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है, कॉस्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस और डिलीवरिंग प्रोडक्ट दैट मीट रिक्वायरमेंट फिटनेस फॉर यू. जो जैसा मैंने आपको बताया कि आप प्रपोजल में बताते हैं कि ये मसाइल जो है इस प्रोजेक्ट से हल हो जाएंगे. जब आप वो प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो फिटनेस फॉर यू तो वो प्रॉब्लम हल होती हैं या नहीं होती. द कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर और नॉट मीटिंग क्वालिटी एक्सपेक्टेशन के एक प्रोडक्ट आपने बनाई है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को ना तो मीट कर रही है ना वो उसके करीब करीब है. तो तब होता क्या है कि लोग सब प्रोजेक्ट आपको देना छोड़ देते हैं, आपकी कंपनी जो है वो बंद हो जाती है, आपको वही काम नहीं मिलता. फाइव कॉस्ट कैटेगरीज रिलेटेड टू क्वालिटी. वन इज प्रिवेंशन कॉस्ट, एक कॉस्ट ऑफ प्लानिंग. अगर आप एग्जीक्यूट प्लान सही कर लेते हैं, एरर फ्री होता है, तो आपको पैसों से जो आपने बाद में उस पर इन्वेस्ट करने हैं तो इम्प्रूव द क्वालिटी उससे आप बच सकते हैं. अप्रेजल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एवेल्युएटिंग प्रोसेस एंड देयर आउटपुट टू एंश्योर क्वालिटी. जब आप एवेल्युएट कराते हैं प्रोडक्ट को, जो कॉस्ट है एंड देयर आउटपुट टू एंश्योर क्वालिटी, दैट इज अप्रेजल कॉस्ट. इंटरनल फेलियर कॉस्ट, कॉस्ट इंश्योर टू करेक्ट एंड आइडेंटिफाई डिफेक्ट. जो आपने केयरफुली प्लान नहीं किया होता सिस्टम को, तो उसके जो डिफेक्ट आते हैं उसके लिए जो कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है बिफोर द कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, कॉस्ट दैट रिलेट्स टू ऑल एरर्स एंड नॉट डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर. ये टेस्टिंग फेज में होता है एंड यूजर इज टेस्टिंग द प्रोडक्ट, ही कम अक्रॉस सच बग्स जो कि ऑलरेडी आप से होके कस्टमर के पास जा चुका होता है, तो तब आप उसको फिक्स करते हैं. Measurement and test equipment cost, capital cost of equipment used to perform prevention. कि किस तरह आप उसे prevent कर सकते हैं. Appraisal activities, किस तरह आप इन चीजों से बचा जा सकता है अगर आप plan carefully करें project को, execute करें task को, so then you will have error free version of the product. मेरे ख्याल में यहाँ stop कर देते हैं. And next week we will start from here. चले आज हम यहाँ पर जो है रोक देते हैं. Next week we will start from here. From this slide, maturity model.